हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई आज आप अपने सामने देख रहे हो वैगनर खड़ी है, ये भाई अपना LXi वेरिएंट है CNG वाला। तो ये भाई जैसे हमारे ना मतलब ग्रुप में बात करोगे तो मेरे किसी फ्रेंड की थी, तो उन्होंने मेरी वीडियोस वगैरह देखी थी, मेरी गाड़ी वगैरह देखी थी, तो उनको भी अपन मतलब सेम अपनी गाड़ी वगैरह बनानी थी, थोड़ी मॉडिफाई वगैरह करनी थी। तो ये देख रहे हो वैगनर का LXi वेरिएंट है, इसके अंदर अभी हमने थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करी है जो कि भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मॉडिफिकेशन करी है, वो साथ के साथ देखते रहो। प्राइसिंग का आइडिया भी आपको मैं दे दूंगा। तो इसके अंदर अलॉय व्हील से लेकर स्पॉइलर वगैरह की बात करोगे, फिल्म वगैरह सब कुछ चढ़ाई है। अब इसको परफेक्ट लोकेशन पे लगा के इसलिए वीडियो नहीं बना रहा कि भाई प्रॉपर ना मतलब आपको शांति में यहाँ पर समझा पाऊँ। तो जैसे भाई को मैंने बताया था आपको, तो इसके अंदर हमने LEDs वगैरह डाली है हेडलाइट में, और बात करोगे जैसे मैंने नीचे रेड लाइनिंग अपने में गाड़ी में लगवा रखी ना, वैसे ही रेड लाइनिंग भाई ने लगवाई है, और भैया की मतलब डिमांड थी कि भाई रेड लाइनिंग चाहिए। साथ के साथ नंबर प्लेट की बात कर रहे हो, यहाँ पर LED देख रहे हो आप जो अपनी हेडलाइट्स में डाल रही है हमने, और इसकी ना थोड़ी बफिंग वगैरह भी करनी है क्योंकि गाड़ी भाई बहुत पुरानी थी जिसको रीस्टोर कर रहे हैं और अच्छी बन पाए। बाकी यहाँ पर देख रहे हो 90 वॉट्स की इसके अंदर LED डाली है, रिस्पांस बहुत अच्छा है, कोई ज़रूरत इसमें ना मतलब LED के बाद पड़ती नहीं है। और साथ के साथ फॉग लैंप वगैरह भी इसके अंदर कुछ भी नहीं लगाए, तो वो भी साथ के साथ लगाएंगे, वो इन फ्यूचर लगाएंगे, धीरे धीरे इसमें अपनी मोड्स जो हैं वो होते रहेंगे। बाकी LXi वेरियंट है तो साइड के मिरर्स वगैरह देख रहे हो, ये ब्लैक वगैरह हैं थोड़े, तो इसको भाई मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप फिल्म वगैरह चाड़ो, ये जस्ट वीडियो के लिए बना रखा है। बाकी इसमें अलॉय व्हील्स इंस्टॉल करे हैं, C8 के अपने टायर इंस्टॉल करे हैं 175, और बात करोगे साइज़ देख लो यहाँ पे 175/65 R15 हमने इसमें अलॉय व्हील्स डाले हैं, X2 के हैं ये, और 10 स्पोक्स वाले इन्हें अलॉय व्हील्स बोलते हैं जो कि ब्लैक कलर में है विथ गन मेटल आपकी सिल्वर लाइनिंग्स, और साथ के साथ C8 का ओरिजिनल टायर डाला है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग वारंटी आती है। और अब भाई हमारे पास अलॉय व्हील्स भी मिल जाया करेंगे, अगर किसी भाई को चाहिए तो ऑन ऑर्डर मंगा देंगे। बाकी साइड बीडिंग वगैरह इसके अंदर लगाई है प्रॉपर वैगनर वाली, वो भी देखना कैसे कुछ लग रही है। बाकी बॉडी से कितने बाहर हैं टायर ये भी आप चेकआउट कर लो, साथ के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं भाई ये गाड़ी पे ना पूरे खिल से रहे हैं। और साथ के साथ बात करोगे इसके अंदर हमने स्पॉइलर वगैरह लगाया है जो कि ब्लैक कलर का है, लाइट वाला है, और अगर भाई किसी को ब्लैक कलर का स्पॉइलर चाहिए ना गैलियो में तो वो भाई ऑन ऑर्डर मंगाना पड़ता है। बाकी कस्टमर की डिमांड थी कि कोई दिक्कत नहीं है मुझे लाइट वाला लगा दो, तो ये लाइट वाला हमने इसके अंदर ब्लैक स्पॉइलर लगाया जो कि आप वैगनर में देख रहे हो, और इसके अंदर भाई प्रॉपर ब्रेक लाइट भी जलती है, और इसका पूरे हमने वायरिंग से कनेक्शन भी करे हैं कि जब आप लाइट जलाओगे तो इसकी लाइट्स भी जलेंगी। और साथ के साथ बात करोगे तो इधर से मैं आपको वायरिंग वगैरह दिखा देता हूँ कैसे कुछ इसकी वायरिंग होती है। बहुत लोग होता है छेद करके डालते हैं, पर भाई बिना छेद के हमने डाला। अब इसमें बात करोगे तो इन्फिनिटी की अपनी बेस ट्यूब वगैरह भी लगाई है जो कि अपना नॉर्मल भैया को ना अच्छा साउंड चाहिए था। इसमें आप भाई चाहो तो CNG ट्रे भी लगा सकते हो, भाई चैनल पे और भी वीडियोस हैं CNG ट्रे की, भाई काफ़ी अच्छा बूट स्पेस भी बन जाता है, बेस ट्यूब भी रख सकते हो, तो भैया वो भी लगवाएंगे। अभी भाई साथ के सामने हमने थोड़ा बजट ज़्यादा हो गया था भैया का, तो इसीलिए उन्होंने नहीं लगवाई। पीछे से लुक देख लो कैसी कुछ लग रही है, और भाई अलॉय व्हील्स वगैरह के साथ तो प्रॉपर अच्छी लग ही रही है। गाड़ी के अंदर भी ले चलूँगा तो नॉर्मल मैट्स वगैरह डाले हैं तो वो भी आप साथ के साथ चेकआउट कर लेना। पिलर वगैरह ब्लैक करे हैं इसके अंदर जो कि भाई प्रॉपर रैप करा है इसके अंदर एवरी डायमेंशन का, और यहाँ पर देखोगे तो मैट्स वगैरह डाले हैं 5D वाले मैट्स हैं ये अपने जो कि भाई अपना 1200 समथिंग के आ जाते हैं, और निकालो प्रॉपर बाहर झाड़ो और फिर से उसके अंदर डाल सकते हो आप। और साथ के साथ बात करोगे फिर भाई गाड़ी के अंदर डालो, कोई इसमें जैसे ये नहीं होता कि भाई पानी वगैरह गिर जाए तो बदबू मारे, तो प्रॉपर अच्छे तरीके से। बाकी ये भैया का कंपनी से सिस्टम आया था, तो भाई 9 इंचेज जब एंड्रॉयड लगाएंगे तो वो भी आपको चीज़ दिखाएंगे। तो अभी भाई हमने यही वाला चलने दिया जो कि अपना भैया ने कंपनी से म्यूज़िक प्लेयर लिया था, तो उसका भी देख लो साथ के साथ। बाकी और इसमें लगभग कुछ काम नहीं किया। प्राइसिंग की बात करोगे तो अपना 6-7 हज़ार रुपये के करीब प्राइस आया था, ठीक है, जो कि जिसमें पूरा काम हो गया था। अलॉय व्हील्स की बात करोगे तो अलॉय व्हील्स वगैरह, बाकी यहाँ पर ये चीज़ देख लो कैसी कुछ अपनी इसकी लुक निकल के आ रही है, कैसी कुछ फिनिशिंग है, और स्मोक करेंगे लाइट्स तब ज़्यादा अच्छी लगेगी। मेरी भी गाड़ी में भाई मैंने अलॉय व्हील्स चेंज कर दिए, भाई बहुत जल्द उसकी भी वीडियो आने वाली है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको वैगनर ये भी दिखा दूँ, अगर किसी भाई को चाहिए बढ़िया बनवानी है, अच्छी खासी मॉडिफिकेशन करानी है अच्छे बजट में, तो प्राइसिंग के साथ आपको बता दो। तो ये सब जो एसेसरीज थी हमारी 6000 रुपये से लेके 7000 रुपये के बीच में अपनी लगी हैं। और बात करोगे अपना अलॉय व्हील्स वगैरह की, तो वो भैया के टायर घिस चुके थे उसके बाद ये लगे हैं अलॉय व्हील्स वगैरह, और इसकी प्राइसिंग करोगे तो लगभग 30,000-32,000 के समथिंग ये अलॉय व्हील्स गए थे विथ टायर। और साथ के साथ गाड़ी की लुक कैसी आ रही है भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, किसी भाई को मॉडिफिकेशन करानी है तो बिल्कुल आ सकता है। होप करता हूँ गाइज़ आपको वीडियो सही लगी होगी, वीडियो सही लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हो, सब्सक्राइब करो। किसी अनदर स्टेट में हो आ नहीं सकते भाई, सामान आपको चाहिए तो भाई बिल्कुल मिल जाएगा, और बाकी यहाँ पर डिपर वगैरह आप देख लो कैसी कुछ है। तो
बिल्कुल आओ। और भाई अपनी गाड़ी में, वैगनर में कोई सी भी गाड़ी है, काम हो जाएगा। चैनल पे और भी वीडियोस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाओ। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, कोई भी चीज़ों का प्राइस पूछना है कॉल करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।